फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान शॉक्ड। आगे लिखा है मोदी साहब की सोच को सलाम। अच्छा, मुझे ये बताओ ये कौन सा सलाम है? एक तो वो सलाम होता है जो ये लोग करते हैं, सलाम सलाम वालेकुम, या ये वाला सलाम सलाम कौन सा वाला सलाम है? कंफ्यूजन हो गई भाई, क्लैरिटी चाहिए मुझे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। खवातीन के साथ हरासगी के जो केसेस हैं पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि खवातीन आगे नहीं आती। भारत की एक खबर बहुत अहम है, हमारे लिए भी बहुत अहम है, उनके लिए भी है, लेकिन हमारे लिए भी है। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी। हुआ कुछ यूं है कि इंडिया की रूलिंग पार्टी ने अपना प्रेसिडेंट बनाने के लिए एक खातून का इंतखाब किया है। ये कैसे हो सकता है? मिसाल भारत की दूंगा, उन्होंने सॉफ्टवेयर या इंटरनेट के ऊपर किस तरह अपनी सुप्रीमेसी कायम की, और ये भी कर सकते हैं किस तरीके से भारत ने अपने 51% खवातीन जो घरों में बैठी थी उनको उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री में काम पर लगाया। तो खवातीन के हकूक के बारे में तो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे दे रहे हैं। भारत की एक्सपोर्ट्स जो है 418 अरब डॉलर है, आपकी 28 है, उनकी 418 अरब डॉलर है। एक चीज पे वो बहुत परेशान है कि ये पहले दफे हमारे तारीख में लगता ऐसे है कि फार्मर्स जो है वो स्ट्राइक पे जाएं। उनके पास ये है कि फॉरेन रिजर्व भी 600 अरब डॉलर के पड़े हुए हैं। खातून का प्रेसिडेंट बनना, और एक ऐसे एरिया की, ऐसे इलाके की खातून का के जो कबाइली इलाका हो, जहां से खवातीन का ऊपर उठना आना, काम करना मुश्किल हो, वहां की खातून को मुंतखब करके अपना सदर बनाना कमाल की बात है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल करवा दिया। यह भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। 64 वर्षीय मुर्मू के नामांकन में प्राइम मिनिस्टर मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू की उम्मीदवारी की देश भर में तथा समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहना की जा रही है। जमीनी समस्याओं के प्रति उनकी समझ और भारत के विकास को लेकर उनकी दृष्टि उत्कृष्ट है। यहाँ भारत में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने को लेकर उत्साह है, वहीं पाकिस्तान इसको लेकर काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारे यहाँ तो वुमेन हरासमेंट में काफी बढ़ोतरी होती जा रही है। भारत की एक खबर बहुत अहम है, हमारे लिए भी बहुत अहम है, उनके लिए भी है, लेकिन हमारे लिए भी है। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी। हुआ कुछ यूं है कि इंडिया की रूलिंग पार्टी ने अपना प्रेसिडेंट बनाने के लिए एक खातून का इंतखाब किया है। एक प्रेसिडेंट बनाने के लिए अपना एक वुमेन को सिलेक्ट किया उन्होंने। ये कौन है? सिर्फ खातून नहीं है, बल्कि वो ट्राइबल एरिया से ताल्लुक रखने वाली एक फॉर्मर टीचर है। ये एक कमेंडेबल बात है। इसकी वजह यह है कि खातून का प्रेसिडेंट बनना, और एक ऐसे एरिया की, ऐसे इलाके की खातून का कि जो कबायली इलाका हो, जहाँ से खवातीन का ऊपर उठना आना, काम करना मुश्किल हो, वहाँ की खातून को मुंतखब करके अपना सदर बनाना कमाल की बात है। अच्छा, इसकी तफसीलात मैं आपको पहले बता देती हूँ। बीजेपी ने साबिक टीचर और कबायली खातून रहनुमा को भारतीय सदर का उम्मीदवार नामजद कर दिया है, ये कहना है मीडिया का। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कबायली खातून सियासतदान जो कि ट्राइबल एरिया की पॉलिटिशियन है, द्रौपदी मुर्मू को इंडियन प्रेसिडेंट के तौर पर नॉमिनेट किया है, यानी कि आइंदा प्रेसिडेंट उनको बनाया जाए। 64 इयर्स इनकी एज है, और कहा यह जा रहा है कि इनका ताल्लुक स्टेट उड़ीसा से है और वो कई डेकेड से रूलिंग पार्टी का हिस्सा हैं, जबकि वो एक मर्तबा स्टेट गवर्नर भी रह चुकी हैं, अपने ड्यूटीज़ अंजाम दे चुकी हैं, यानी उनको गवर्नर भी बनाया जा चुका है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, वो एक साबिक टीचर हैं, पढ़ाती रही हैं एक अरसे तक टीचर के तौर पर, अपने फ़राइज़ अंजाम देती रही हैं, और अगर वो इंडिया की प्रेसिडेंट वाकई मुंतखब हो गई तो वो पहली कबायली खातून होंगी, ट्राइबल एरिया से वो फर्स्ट वुमेन होंगी कि जो इस डेजिग्नेशन पर आएंगी। और इस सिलसिले में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी
उनका उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि उनको काफ़ी ये सब कुछ बताने के बाद उन्होंने उनके मुतालिक जो बात की उनका कहना था कि शी हैज़ रिच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और साथ में ये भी कहा कि आई एम कॉन्फिडेंट शी विल बी ए ग्रेट प्रेजिडेंट ऑफ आवर नेशन। तो देखिए ये जो मैंने बात की थी कि पाकिस्तान के लिए ख़बर अहम क्यों है, पाकिस्तान के लिए ख़बर अहम इसलिए है कि हमारे प्रेसिडेंट जब भी बनते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता कि एक तो ये कि वो बनाए गए हैं लेकिन किस बिना पर बनाए गए, मतलब उनका क्राइटेरिया क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। आप लोग वोट नहीं करते, अब ना तो उनकी स्ट्रेंथ्स का पता चलता है ना क्राइटेरिया का पता चलता है, फिर पता चलता है इस पार्टी के वो बड़े करीबी थे, अच्छा इन्होंने जो है वो कहीं पर किसी के साथ बड़ा अच्छा काम किया था इस पार्टी में, किसी के बड़े फेवरेट थे, किसी को ये फायदे पहुँचा दिए थे, मुल्क के लिए उन्होंने क्या किया, या उनकी यानी ये कि एक होता है ना कि आपकी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ भी तो होती हैं, एबिलिटीज़ भी तो होती हैं, आपने क्या किया होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो ख़वातीन है मसलन कृष्णा कुमारी पीपल्स पार्टी की जो हैं उनको जब लाया गया सियासत में और पार्लियामेंट में वो ऊपर आई और वो थर के एरिया की हैं, थर के इलाके की, तो बड़ी तारीफ हुई और हमने भी कहा बड़ी कमाल बात की है, बहुत अच्छा की है। लेकिन सिर्फ एक खातून, आगे आप कहीं नहीं, और फिर एक ज़रा हाई लेवल के डेजिग्नेशंस पर भी आप लाइए ना, तो आप ज़रा अब कोई अपने ऐसे एरिया की खातून को क्या हम नहीं बना सकते। इस मरतबा हम प्रेजिडेंट अपने किसी ऐसे एरिया की जो कि डिप्राइव्ड एरिया कहा जाता है, कबायली एरिया, कहीं से भी, बलूचिस्तान से कहीं से, किसी ऐसी खातून को हम प्रेजिडेंट क्यों ना बनाएं कि हमें ये कहा जाए कि देखें आपने ऐसी जगह से प्रेसिडेंट बनाया। एक चीज पे वो बहुत परेशान है कि ये पहले दफे हमारे तारीख में लगता ऐसे है कि फार्मर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे जाएं। अच्छा। और फार्मर्स अगर स्ट्राइक पे जाएं तो वो बहुत डैमेजिंग स्ट्राइक होगा, और पता नहीं वो जा ही सकते हैं कि नहीं, इसलिए कि उनका अपना भी खाना इन्वॉल्व है एक लिहाज से, बट लगता ऐसे है कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इतना प्राइसेस बढ़ गए हैं कि शायद वो कहते हैं कि हम ऑफिशियल प्राइस पे फिर सामान नहीं, अपना जो प्रोड्यूस है नहीं बेच सकते। तो अगर हमें मार्केट में फेयर प्राइस नहीं मिला तो हम क्यों उगाएं, और आपको पता है कि अगर वो ना उगाएं तो क्या होता है। एक वेरी सैड। दूसरी बात ये है कि मोबाइल कंपनीज फोन्स के ऑलरेडी सुना है कि उन्होंने बंद कर दिया है असेंबलीज, और कोई ऑटोमोबाइल सेगमेंट पे भी असेंबलीज बंद कर दें, और अब हम बात कर रहे हैं 1% ऑन 15 crores और ये जो 10% का सुपर टैक्स है, वन टाइम सुपर टैक्स। दुनिया में लोग देखना चाहते हैं समीना, ये चीनी भी देखना चाहते हैं कि तुम लोग, आपके अमीर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तुम्हारे सिचुएशन को कि नहीं। ये कैसे हो सकता है कि हमारा इतना ईमानदार मुल्क है कि एक भी पाकिस्तानी मिलियनेयर सजाए मौत छोड़ो जेल नहीं जाता है टैक्स इवेजन से, ये कैसे हो सकता है। ये इसी एक ही तरीके से हो सकता है कि हम सब समझते हैं और हम चाहते हैं कि इस सिस्टम रहे और इस किस्म का रिवाज आगे बढ़े। तो ये नो, यू गॉट टू आस्क योर सेल्फ दीज बेसिक क्वेश्चंस। दूसरे लोग आपको क्यों आके अपने पैसे देंगे जब आपके अपने लोग चोरी कर रहे हैं। राइट, तो हमें सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। ये ठीक है, अच्छा ये है जो मैं इमरान याकूब साहब से कहूंगा कि आप मिलते हैं इन लोगों के साथ। देखिए ये काफी नहीं है कि खुद जाके थोड़ा सा एफिशिएंसी डिक्लेयर करें, यार बेसिक चेंजेस ऑफ नेचर आर इन्वॉल्व। ठीक है, एक और बड़ा मजेदार वीडियो था यार, अब उनको ये पड़ी है कि इंडिया ने जो है एक वुमेन को किया है तो अब हमें भी वुमेन ढूंढनी है एरिया से। अरे कोई केपेबल भी तो नीचे, तुम वही करोगे जो इंडिया करेगा। इनका प्रेसिडेंट होता था मुझे भी शौक लग रहा है, मैंने सोचा होता है, हमने तो बोल रही है कि हमें भी, वो भी तो बोल रही है कि हमें भी एक लेडी को यहाँ से प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। प्रेसिडेंट तो नहीं, मैंने सुना बोलते हुए, प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं या कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पोजीशन में, हाई पोजीशन में बोला होगा, मुझे पता नहीं। प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर की बात पॉसिबल नहीं है, प्रेसिडेंट की बात कर रही थी वो। कौन है इनका प्रेसिडेंट, मैंने तो कभी भी नहीं लाइफ में सुना कि इनके कोई प्रेसिडेंट हो। अब शुरू कर देंगे कि नहीं भी है, कॉपी करके इंडिया को प्रेसिडेंट बनाएंगे। इंडिया कर रहा है वैसे, हमें भी प्रेसिडेंट चाहिए। मगर वो चलिए कुछ तो क्रिटिक कर रहे हैं कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बुरी हालत हो रही है, पहले क्या एटीट्यूड होता था मेरे को याद है, और अब क्योंकि अब डूब रहे हैं तो अब इंडिया 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 कर रहे हैं। अब ऐसे कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उनकी बंद हो गई है, फार्मर्स बोल रहे हैं वो नहीं उगाएंगे, मोबाइल फोन्स जो हैं वो भी बंद हो रहे हैं, तो काफी उनकी इकोनॉमी अब धीरे धीरे ठप हो रही है। पता नहीं मतलब कितनी
ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, अगर आप उनके न्यूज़पेपर में देखें तो आपको ज़्यादा ऐसे न्यूज़ नहीं आएगी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि वो अपने तो लोगों को बताते नहीं है। नॉर्मली तो हम देखते थे कि अगर कुछ होता है तो काफ़ी न्यूज़ आती है, भाई फुटेज भी आती है, लोग लगे हुए लाइनों में, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से वो कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। हमने एक और वीडियो किया था, 41 बिलियन उनको चाहिए, IMF ने सिर्फ 6 का ओके किया था, वो भी धीरे धीरे पैसा आएगा, तो लग नहीं रहा अच्छा सिचुएशन है, देखेंगे क्या हो रहा है। मगर इवेंचुअली देखिए जितना उनका मीडिया छुपा सकता छुपा है, इवेंचुअली अगर कुछ घपला होता है तो सबके सामने इमिजिएटली आ जाएगा, बहुत ही धड़ाके से ये भी हो गया। और एक न्यूज वो भी आई थी कि पेपर भी नहीं है, तो वही आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं श्रीलंका, श्रीलंका वहां पेपर नहीं था, यहाँ पेपर नहीं है, वहां फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम थी, यहाँ फर्टिलाइजर प्रॉब्लम है, वहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो रही थी, यहाँ बंद हो रही है, तो सिमिलर चक्कर नजर आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।